नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हो जी, की हाल चाल। मैं हूं आपका अपना चटोरा बाय नेचर तरुण, और आज हम आ गए हैं जी अंबाला कैंट में, एक बड़ी ही स्पेशल जगह पर, जहां पर मिलता है जी वन ऑफ द बेस्ट डोसाज इन अंबाला। तो जी जहां पर हम आए हैं वो एक बड़ी स्पेशल प्लेस है, बड़ा छोटा सा सेटअप है भैया का, और मात्र 18 साल के हैं भैया, और बनाते हैं जी वन ऑफ द बेस्ट एंड फाइनेस्ट डोसाज। और जो उनकी स्पीड है जी भाई साहब, निंजा स्किल स्पीड है जी उनकी, बहुत ज़बरदस्त। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं डोसे की मेकिंग और देते हैं आपको उसका टेस्ट का रिव्यू। तो जी हम आ गए हैं जी विजय मद्रासी डोसा पर। भाई ये देखिए, भैया का एक बड़ा ही छोटा सा और बढ़िया सा सेटअप है, और ये जो आप इधर रश देख रहे हैं भाई साहब, ये सब इन्हीं के डोसे खाने के लिए आए हुए हैं, और इनका साउथ इंडियन बाकी भी बहुत ही बढ़िया है, इडली एंड वड़ा। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं इसकी मेकिंग। तो भाई ये देखिए जी, यही हैं वो भैया जो इनके बनाते हैं जी बहुत ही बढ़िया डोसा, और स्पीड देखो यार भैया की, ये देखिए भाई क्या बात है जी। भैया एक हाथ फोन पे और एक हाथ काम पर, भाई आप देख सकते हैं इनकी एक्सपर्टीज कितनी है। भैया देखिए, एक तरफ फोन पे बात कर रहे हैं भैया, और एक तरफ फटाफट से जो है डोसे इनके बन रहे हैं। भैया कितना पुराना सेटअप है आपका ये? भाई हम पूछ रहे हैं भैया से, लेकिन भैया के पास बिल्कुल टाइम नहीं है। ठीक है, हम इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और सिर्फ आपको इनकी मेकिंग दिखाकर और आपको देंगे जी इसका रिव्यू। तो जी आपको इनकी लोकेशन समझा देते हैं। बिल्कुल आप जो मेरे ये सामने देख रहे हैं, ये है जी अंबाला कैंट की राय मार्केट। ये देखिए जी, ये है जी अंबाला कैंट की राय मार्केट, और यहाँ से जब आप आएँ तो बिल्कुल आपको इधर दिखेगा जी विजय मद्रासी डोसा। तो ये देखिए भाई, ये देखिए जी प्लेटों पे प्लेटें लगे जा रही हैं, और भैया यहाँ पर डोसे बना रहे हैं, और इधर देखिए जी साथ के साथ रेडी होकर प्लेट्स, और यहाँ से रेडी होकर ये अंदर भी सारे इनके कस्टमर्स बैठे हुए हैं। भैया देखिए जी, आप रश देख के समझ सकते होंगे कि भाई साहब कितना पॉपुलर है इनका डोसा और कितना टेस्टी होगा। भैया हमारे लिए भी एक डोसा लगा दो। ठीक है जी, कौन सा खिलाओगे आज डोसा? आप बोलो कौन सा खाओगे। हैं जी, जो आपका सबसे बेस्ट है वो डोसा खिलाओ आज हमारे को। ठीक है जी, कौन सा खिलाओगे फिर जो सबसे बेस्ट डोसा है? बटर पनीर। ठीक है जी। तो जी भैया कह रहे हैं जी हमारे ये लगा रहे हैं वो बटर पनीर मसाला डोसा, आइए देखते हैं उसकी मेकिंग। तो भाइयों इसी लॉट में लगेगा जी हमारे लिए डोसा, इनका स्पेशल बटर पनीर डोसा। भैया देखिए, भैया की स्किल्स देखो यार, और स्पीड देखो भैया की, कितनी स्पीड से भैया काम कर रहे हैं। भैया ये क्या डाल रहे हो जी? बटर। ये आ गया जी इनका बटर, ये भैया हमारे लिए तैयार हो रहा है बटर पनीर। ठीक है जी, भाई ये लग रहा है जी हमारे लिए बटर पनीर डोसा है इनका। ये आ गया जी, और ये आ गया जी इसके ऊपर मसाला। ये आ गया जी प्याज। भाई कितनी स्पीड से भैया देखो लगे हुए हैं करने के लिए, मटर, प्याज और ऊपर से थोड़ा सा टमाटर। ये देखिए जी, और ये आ गया जी पनीर। क्या बात है जी, और बटर भी ऊपर से। ठीक है जी भाई, और बटर आ गया। भाई साहब ये हो गया जी हमारा रेडी हो गया भैया जी, ये रेडी हो गया जी हमारा बटर पनीर डोसा। भाई ये देखिए जी, ये चटनी और दोनों चटनियां पहले ही डली हुई हैं बीच में। भैया कौन कौन सी चटनी है? एक कोकोनट की और दूसरी रेड टमाटर की। अच्छा, और आया जी सांभर, और भाई साहब ये आ गया जी हमारा डोसा। आइए अब इसको ट्राई करें। तो जी ये आ गया है जी हमारे पास में इनका स्पेशल
बटर पनीर डोसा, आइए इसको ट्राई करें आप। भाई पहले तो आपको इनकी स्टफिंग दिखाऊंगा यार, ये देखो अंदर पूरा बटर से अंदर से लपालप है और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। ये देखिए जी, आप हाथ देख सकते हैं, भैया ने बिल्कुल ऑयल का यूज़ नहीं करा, ये सारा का सारा जो है ये बटर है। तो आइए इसको ट्राई करें। ये लिया जी डोसा, साथ में लगाई चटनी, बहुत ही बढ़िया, बड़ी सिंपल सी प्रिपरेशन है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ भी नहीं है। आउटर लेयर बहुत बढ़िया क्रिस्पी है और जो अंदर का जो मसाला है बहुत ही फ्रेश लग रहा है, जिसके अंदर हमारे को जी आलू और जो पनीर है उसकी स्टफिंग मिली है, पूरा बटर ही बटर है। और जो बटर का टेस्ट आ रहा है ना, आपको मुंह में रखते ही आपको पता लग रहा है कि जी इसके अंदर अच्छी क्वालिटी का बटर यूज़ किया गया है। सो वेरी नाइस प्रिपरेशन। और जो भैया के पास में आप इतनी देर से रश देख रहे हैं, भाई ये रश कम नहीं हो रहा, उल्टा बढ़ता जा रहा है। अब इनका टेस्ट करेंगे जी सांभर। वाह भाई, ऑथेंटिक जो साउथ इंडियन सांभर होता है ना जी, बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपको अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में खाने को मिलेगा। जो उनका सांभर है वो प्रॉपर उन्हीं के स्पाइसेस से बना होता है, ये भी सेम चीज़ है, इसके अंदर भी आपको जो है ऑथेंटिक जो साउथ इंडियन स्पाइसेस हैं उसका टेस्ट आ रहा है। भाई बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, खट्टा खट्टा सा है और बहुत मज़ेदार है। और जो इनकी कोकोनट की चटनी है जी, भाई फ्रेश कोकोनट से बनाई हुई है, बीच में राई का तड़का और नमक, बिल्कुल बढ़िया है, फर्स्ट क्लास, ज़्यादा थिक भी नहीं है और ज़्यादा पतली भी नहीं है, वेरी गुड। तो जी ये था जी इनका बटर मसाला डोसा विद पनीर, इसको मैं रेट करूँगा जी 8.5 out of 10 फॉर वेरी सिंपल प्रिपरेशन। बट हाँ, इसी सिंपल प्रिपरेशन के साथ में इन्होंने काफ़ी लोगों का यहाँ पर दिल जीता हुआ है। तो जी अगर आप अम्बाला में कभी आएँ, अम्बाला कैंट में, और आप साउथ इंडियन के शौकीन हो तो जी एक बारी ज़रूर इनका विज़िट करें, देसी स्टाइल बिल्कुल फर्स्ट क्लास, और आपको मज़ा आ जाएगा। और ये आपको गाड़ी में बैठे बैठे भी सर्व कर देंगे अगर आप कहेंगे तो। थम्स अप फॉर दिस एंड आई रिकमेंड दिस डोसा। और इनका बाकी साउथ इंडियन में जैसे इडली और वड़ा, उसका भी कॉम्बो आपको मिलता है, बट आज हम स्पेशली इनका डोसा ही ट्राई करने आए थे, विच इज़ फैंटेस्टिक। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एंड प्लीज़ डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक ऑल्सो बाय द सेम नेम, चटोरा बाय नेचर। थैंक यू।